हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने आप देख रहे हो दी ऑल न्यू एज बलेनो। दोनों वेरिएंट हैं नीचे के, मतलब वो सामने आपको दिख रहा है वो है अपना बेस वेरिएंट सिग्मा, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है अपना डेल्टा सेकंड बेस। जो फुल वीडियो है वो मैं इनके डाल चुका हूं। अब बात आती है कंपैरिजन की। सबसे पहली चीज़ है भाई, पैसों का क्या डिफरेंस है, पैसों में कितना फ़र्क है। तो भाई वो आपको पड़ती है 6,35,000 रुपये की। सामने देख रहे हो बेस वेरिएंट पड़ रहा है 6,35,000 रुपये का एक शोरूम। वहीं बात करें इसकी तो भाई ये सेकंड बेस डेल्टा, ये पड़ रहा है आपको 7,19,000 रुपये का। मतलब दोनों में जो फ़र्क है वो है 84,000 रुपये का, 84,000 रुपीज़ का। अब यही जब ऑन रोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो करीब करीब 95,000 रुपीज़ का डिफरेंस रहेगा, मोटा मोटा 1,00,000 रुपये मान लेते हैं चलो। तो अब 1,00,000 में आपको क्या क्या फ़र्क मिल रहा है, चीज़ें क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जा रही हैं इसमें, तो भाई वो चीज़ देखते हैं। हो रहा है बहुत ज़्यादा रश, आपको हल्ला सुनाई दे रहा होगा भाई, बिल्कुल ज़्यादा फोकस करके बनानी पड़ रही है वीडियो, तो थोड़ा सा मैनेज आप करना, थोड़ा सा मैनेज हम कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है फ्रंट फेसिया में। आप देख रहे हो यहाँ पर आपको जो क्रोम की पट्टी है ग्रिल में वो नहीं मिल रही, यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी क्रोम की पट्टी मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा फ्रंट में कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा, दोनों को फ्रेम में एक साथ लेते हैं कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा। अब बात आती है साइड प्रोफाइल की। तो भाई साइड प्रोफाइल में आप ये देखो, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ब्लैक कलर के रिम और साथ में ऊपर व्हील कवर, जबकि इधर देखते हैं हम तो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर के ही मिल रहे हैं रिम, और इसमें कोई भी आपको व्हील कवर नहीं मिलता, बिल्कुल गंजे से दिखते हैं। उसके साथ साथ साइड प्रोफाइल में और क्या है भाई, साइड प्रोफाइल में और डिफरेंस है, यहाँ पर देखो डोर हैंडल और हमारे ORVM पूरे के पूरे इधर ब्लैक आउट हैं, और भाई यहाँ मिल रहे हैं आपको बॉडी कलर, ये चीज़ हुई। इसमें आपको बेसिक वाली चीज़ फील नहीं होगी, ठीक है। उसके साथ जो ORVM देख रहे हो यहाँ पर, उसमें इंडिकेटर नहीं है, बिल्कुल बेसिक है ये, और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर इसमें मिल जाता है। उसके साथ साथ भाई ए पिलर बी पिलर हमको ब्लैक आउट मिलता है इसमें, यहाँ पर आपको ब्लैक आउट नहीं मिलता। ये हो गए हमारे साइड प्रोफाइल पर डिफरेंसेस, ठीक है। अब आ जाते हैं ज़रा रियर में, रियर में क्या क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो एक बार एक फ्रेम में लेकर देखें भाई, एक फ्रेम में आ नहीं रहा रियर, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ रियर में देखने में कोई भी फ़र्क नहीं है, एक भी फ़र्क नहीं है। टेल लैंप जो है वो सेम यूनिट है नीचे से लेकर ऊपर तक, कोई भी फ़र्क आपको पता ही नहीं लगेगा, चाहे नीचे का देखो ऊपर का, सिर्फ टेल लैंप में। बाकी सारी चीज़ें अगर बेस देखें या ये देखें डेल्टा वेरियंट हमारा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये चीज़ देखो ये सेम है, बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं लग रहा, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सटीरियर से रिलेटेड। अब बात आती है हमारे इंटीरियर की। तो भाई इंटीरियर में सबसे पहले मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो ट्रिम मिल रही है वो ऐसी, उसमें भी ऐसी, अभी वो भी चीज़ दिखा दूंगा, लेकिन आपका जो ORVM है उसका कोई भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं दिखता, ये हाथ से ही आपको एडजस्ट करने हैं, मैनुअली एडजस्टेबल। जबकि उसमें हमको यहाँ पर स्टॉक भी दिया और साथ में फोल्डेबल भी हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल हैं उसमें, अभी वहाँ जाके दिखाऊंगा सब, ठीक है। क्लस्टर बिल्कुल एक जैसा मिलता है, क्लस्टर में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग, तो भाई स्टीयरिंग में कंट्रोल मिलते हैं उसमें, क्योंकि उसमें स्टीरियो भी मिल रहा है, 7 इंच का टच स्क्रीन मिल रहा है उसमें, बिल्कुल। और बाकी नीचे जो चीज़ देखते हैं हम, यहाँ पर जो हमारा हुआ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वो सेम है, और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। बाकी यहाँ पर इंटीरियर देखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ORVM सेम है, और उसके ऊपर यहाँ पर देखो भाई इसमें लैंप नहीं मिल रही, उसमें लैंप मिल जाएगी आपको, इस तरह से मिल रहा है। और भाई उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हो पार्सल ट्रे आपको कोई नहीं मिलती इसमें, उसमें मिल जाती है। अभी वहाँ चलते हैं चलो, और उसमें दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ बिजी हैं चलो। एक बार यहाँ पर देखो, इसमें भी आपको सेम ट्रिम दिख रही है जैसी उसमें थी, बस यहाँ पर ये वाला जो बटन है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और यहाँ पर एडजस्टेबल दोनों आपको मिल जाते हैं, ठीक हो गया, यहाँ सेम हो गया। अब उसके बाद जो मैं दिखा रहा था, यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जा रहा है, उसके साथ साथ म्यूजिक सिस्टम 7 इंच का टच स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ मिल रहा है, यह आपको लैंप मिल रही है यहाँ पर, और उसके अलावा जो गियर नॉब है हमारा इसमें क्रोम मिल रहा है, ये इस तरह से फिनिश अच्छी मिल रही है, उसमें हमारा बेसिक मिलता है बिल्कुल, उसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा सामने से, बाकी चीज़ें सारी की सारी सेम है, बिल्कुल सेम है, ना हाइट एडजस्ट इसमें है, हेडरेस्ट भी उसमें भी एडजस्टेबल हैं, बाकी सब कुछ आगे से सेम है इसमें, ठीक है। और कंट्रोल्स बाकी के हाँ यार सेम ही है बिल्कुल, डेड पैडल वगैरह सब कुछ है। रियर में देखते हैं, रियर में भी ऑलमोस्ट सेम है, हाँ इसमें भी फिक्स्ड है, उसमें भी फिक्स्ड है। और एक चीज़ और थी भाई, म्यूज़िक सिस्टम मैंने बता दिया, तो स्पीकर तो हैं साथ में, लेकिन बताना ज़रूरी है चारों डोर में आपको इसमें स्पीकर मिल जाता है। तो भाई ये की डिफरेंसेस हैं, बेसिकली बाहर से देखते हैं तो आपको ये कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता, कुछ अधूरा सा है इसमें, एक्सटीरियर में हर चीज़ पूरी तरह से
कंप्लीट मिलती है, आगे क्रोम मिल जाता है, साइड में व्हील कवर मिल जाते हैं, इस तरह से पूरे हमारे जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं, फोल्डेबल भी हैं, साथ में भाई अच्छा खासा ब्लैक आउट मस्त है, हर चीज़ प्रॉपर है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेसिक फील होगा, ये कलर अभी डार्क है, इस वजह से हाईलाइट नहीं हो रही है ब्लैक कलर और ये गंजे गंजे से व्हील, लेकिन वैसे आपको बेसिक चीज़ लगेगी कि हाँ बेस मॉडल है। तो भाई इस तरह से ये डिफरेंसेस हैं। अगर रेट की बात करूँ दोबारा से, तो भाई रेट में फ़र्क आ रहा है 84,000 रुपये का। बेस वेरिएंट जो सिग्मा है हमारा ये है 6,35,000 रुपये का, ये जो है हमारा डेल्टा वेरिएंट ये है 7,19,000 रुपये का, 84,000 रुपये का शोरूम प्राइस में फ़र्क है, और उसके साथ साथ ऑन रोड में करीब 95,000 रुपये चला जाएगा। तो भाई ये फीचर्स थे मोटे मोटे, हाईलाइट करना था आपको थोड़ी सी हेल्प लगे कि कौन सा वेरिएंट हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संसार चैनल पर। जय हिंद।